हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरियन पाठशाला। दोस्तों आज हम देखेंगे कि लाइब्रेरी एक्सेशन रजिस्टर में एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमको इस बात का ध्यान रखना है कि बिल में जिस क्रम में दिया गया है सेम वैसा ही एंट्री करना है। ठीक है, इसको आगे पीछे नहीं करना है। जैसे पहले नंबर में एडवांस्ड हाई स्कूल ग्रामर का बुक है, तो मैं इसमें भी एक्सेशन रजिस्टर में वैसे ही एंट्री किया हूँ ताकि स्टॉक वेरिफिकेशन करते समय हमको कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, तो सबसे पहला कॉलम है डेट। डेट वाले कॉलम में जिस डेट को हम एंट्री करेंगे उसको लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर 001 से स्टार्ट होगा, वो आपका बढ़ते जाएगा। ठीक है, रजिस्टर में 99 तक दिया है, तो उसके बाद आप उसको सामने नंबर लगाकर बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो 001 से स्टार्ट होगा, तो उसके बाद अगला कॉलम है लेखक का। दोस्तों आथर का नाम लिखते समय हमको ASCII का रूल लागू करना है। ठीक है, जैसे इसके मेरे पास एक बुक है एडवांस्ड हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, इसके जो लेखक है वो सुनीता दीवान है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सरनेम को लिखूंगा दीवान, उसके बाद फोर नेम को लिखूंगा। ठीक है, इसमें ASCII का रूल लागू करेंगे। सबसे पहले सरनेम लिखेंगे, उसके बाद फोर नेम लिखेंगे। उसके बाद है टाइटल, पुस्तक का नाम, उसमें हम बुक का नाम लिखेंगे। जैसे एडवांस्ड हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक है, तो मैं उसको लिख दूंगा। उसके बाद है वॉल्यूम। दोस्तों बहुत सारे बुक ऐसे रहते हैं जो वॉल्यूम में रहते हैं, जैसे 3 खंड 4 खंड 5 खंड में रहते हैं, तो उसको लिखना है अगर वो वॉल्यूम में है तो, अगर नहीं है तो नहीं लिखना है। ठीक है, ब्लैंक छोड़ देना। उसके बाद अगला कॉलम है पब्लिशर एंड प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, उस पब्लिशर एंड प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, तो इसमें प्रकाशक का नाम लिखना है और स्थान लिखना है। जैसे सीको सिटी बुक्स है, उसके पब्लिशर है और वो न्यू दिल्ली से प्रकाशित होते हैं, तो मैं लिख दिया हूँ उसको। उसके बाद है ईयर ऑफ पब्लिकेशन, प्रकाशन वर्ष। दोस्तों ये बुक में दिया रहता है कि वो कब प्रकाशित हुआ है, जैसे 2019 में हुआ है, तो मैं उसको लिख दिया हूँ। उसके बाद है पेज, वो बुक कितने पेज का है वो लिखना है आपको, अंतिम पृष्ठ में जाके चेक करना है। ठीक है, उसके बाद है सोर्स। सोर्स में आपने जिस स्थान से खरीदा है, जिस जगह से खरीदा है और जहाँ से खरीदा है वो लिखना है। जैसे मैंने ये बिल में दिया रहता है, जैसे मेरे पास बिल है, इसमें दिया है कि ये तिवारी पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदा है, तो इस भिलाई से, तो इसको मैं लिख दिया हूँ यहाँ, तिवारी पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर भिलाई। ठीक है, उसके बाद अगला कॉलम है क्लास नंबर। क्लास नंबर वाले कॉलम, जैसे हम लाइब्रेरी में कोई भी क्लासिफिकेशन स्कीम लागू करते हैं, तो DDC, UDC या CC जो भी हो, जैसे मैं इंग्लिश ग्रामर का बुक है उसको मैं कोलन क्लासिफिकेशन से क्लासिफाइड किया है, तो उसका नंबर हो जाएगा P111:2। ठीक है, आप DDC से भी कर सकते हैं, UDC से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अगला कॉलम बुक नंबर। बुक नंबर आप बनाने के लिए आप 3 विधि उपयोग कर सकते हैं। पहला ये है कि आप किसी भी लेखक के सरनेम के प्रथम 3 अक्षर को लिखकर बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि आप किसी भी बुक के प्रकाशन वर्ष के आधार पर बना सकते हैं। तीसरा कि किसी भी बुक के लेखक के जन्म वर्ष के आधार पर बना सकते हैं। ठीक है, मैंने किसी भी लेखक के सरनेम के प्रथम 3 अक्षर के आधार पर बनाया, जैसे दीवान है तो DIW लिख दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद है कॉस्ट, मूल्य, उसमें आपको उसका रेट लिखना है। ठीक है, उसके बाद है बिल नंबर एंड डेट। ठीक है दोस्तों, इसमें बिल नंबर ये दिया है, बिल में ये बिल नंबर हो गया और ये डेट हो गया। ठीक है, उसको मैं लिख दिया हूँ यहाँ। ठीक है, उसके बाद है विथड्रॉ डेट। दोस्तों हम स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं तो बहुत सारे बुक ऐसे रहते हैं जो मिस रहते हैं और बहुत सारे बुक ऐसे रहते हैं जो क्षतिग्रस्त रहते हैं। ठीक है, तो उसका एक लिस्ट बनाकर हम जो डायरेक्टर है या फिर प्रिंसिपल है या फिर जो लाइब्रेरी के जो हेड लाइब्रेरियन है उसको हम एक लेटर बनाते हैं और उसमें विड्रॉ के लिए जो क्षतिग्रस्त बुक है, जो गुम बुक है, उसका
अप्रूव कराते हैं कि उसका निकासी करना है करके, ठीक है। तो इसमें विड्रॉ डेट वाले में हम विड्रॉ उस लेटर का नंबर लिखेंगे और डेट लिखेंगे, ठीक है। और जो भी अप्रूव करेगा वो रिमार्क वाले में साइन करेगा, ठीक है। विड्रॉ डेट में हमको जैसे कोई भी बुक गुम हो जाता है, कोई भी बुक क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसका एक लेटर बनाते हैं डायरेक्टर को या प्रिंसिपल को या फिर जो हेड लाइब्रेरियन है उसको, ठीक है। उसमें हम अप्रूव कराते हैं, उसका लेटर नंबर लिखते हैं और डेट लिखते हैं, और जो भी अप्रूव करता है वो रिमार्क वाले में साइन करता है, ठीक है। दोस्तों अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।